YouTube चैनल प्लेटफॉर्म STD में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीताराम मातो और आज का सवाल है मज़ेदार सवाल जो ऑप्शन से बनने वाले हैं। देखिए इस सवाल को, लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पर नई संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात 16:19 है, तो वह संख्या क्या है? एक बार से दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल में ना आपको जोड़ करना है ना घटा करना, सिंपल इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन को देखिए और मार दीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। दो अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पर, दो अंकों वाली संख्या में से अगर ये 90 है, इसमें अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 527। घटाने पर नई संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात 16:2 है, तो नई संख्या कितना आ गया? 75। रेशियो बना दिए, पहले का संख्या कितना था? 90। इसको रेशियो करके देखिए कितना से कट रहा है, 5 से काटिए, 5 1 5 5 5 25। रेशियो 5 से कट रहा है, 5 1 5 5 8 90। क्या ये रेशियो अनुपात में आया? नहीं। अगर जिसमें आ जाएगा उसको टिक लगा देना, पहला नंबर ऑप्शन तो ये गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 95 में से क्या कर रहा है? दो अंकों वाली संख्या में से, ये दो अंकों वाली ही संख्या है। दूसरा क्वेश्चन में यानी कि दूसरा ऑप्शन में दिया, इसमें भी 15 घटा के देखते हैं कितना आ जा रहा है, 0 8। और बोला गया है नई संख्या तथा पहली संख्या, तो नई संख्या है पहला 80 और पहली की संख्या कितना है? 95। इसको काट के देखते हैं, इसको भी काटिए, 5 1 5 3 0 5 6 30। रेशियो 5 1 5 5 9 45। देखिए करे पहली संख्या का अनुपात 16:9 हो तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या आ जाएगा? 95। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, यह दिया हुआ है 38 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर टू में दिया 73, ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है 48, ऑप्शन डी में दिया है 84। किसी दो अंकों की संख्या, यहाँ दो अंकों की संख्या देख रहे हैं 38 है, अंकों को परस्पर बदलने पर इस अंकों को हम बदल देते हैं, 38 है तो कितना आ जाएगा? 83। बदल दिए, प्राप्त संख्या का योग 210 होना चाहिए। अब इसको जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा है, 8 9 10 11, हाथ में रह गया 8 3 10 और 1 12। ये तो योग 110 नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक गलत। ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, ऑप्शन नंबर टू में उसी तरह सेम, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से अगर ये संख्या है 73, इसको हम बदल देते हैं तो कितना आ जाएगा? 37। अब कह रहा है बदलने से प्राप्त संख्या का योग, इसको जोड़ कर देते हैं, ऐड करते हैं 0 7 3 10 और 1 11। एक स्टेप मिल गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए और उनके अंकों का अंतर 4 हो। क्या इन अंकों का अंतर 4 है? जो 7 और 3 है, अंतर करके देखते हैं 4 है, यानी कि परफेक्ट सही है। जोड़ करके देखते हैं तो 110 बदल के, और उस अंकों को अगर घटाव करते हैं तो आता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट। दूसरा सवाल है, 1 3 अंकों की संख्या के अंकों का जो 14 है, यदि दहाई इकाई से दोगुनी है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कराए 1 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या के अंकों का जो 14 होना चाहिए, तो देखिए 6 4 10 और 4 14, ये तो परफेक्ट है, सही, एक स्टेप मिल रहा है। यदि दहाई इकाई से दोगुनी है, दहाई जो है इकाई से देखिए दोगुनी नहीं है, यहाँ 6 2 12 होना चाहिए, है कितना? और ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जोड़ कर रहे तो एक स्टेप मिल रहा है 14। ये तो ऑप्शन नंबर एक गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का जो 14 होना चाहिए, तो 4 8 2 6 और 1 7, ये 14 ऐड करके नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर टू भी गलत। ऑप्शन नंबर थ्री देखते हैं, करेक्ट 8 2 10 और 4 14, ये तो एक स्टेप मिल रहा है, जोड़ करके देखते हैं तो 14 आ रहा है।
लेकिन दहाई जो है इकाई से दोगुनी होना चाहिए, दहाई जो है इकाई से दोगुनी है। क्या इससे दोगुनी है? अगर दोगुना करते तो चार होता, लेकिन दिया हुआ है आठ, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बनाइए, चाहे ना बनाइए टिक लगा दीजिए, सही ये होगा। देखिए फिर भी चेक करके कि तीनों का जोड़ करके 8 + 4 + 2 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 14 आ रहा है। एक स्टेप तो सही है। दूसरा स्टेप कह रहा है कि दहाई जो है इकाई से दोगुनी है, दहाई जो है इकाई से दोगुनी है। देखिए दोगुनी कर रहे हैं तो दो दोगुनी चार, तथा इकाई जो है सैकड़ा की चौथाई है, तो सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा आठ है चौथा, यानी कि 2/8 1/4, तो 1/4 ही आ जा रहा है, यानी कि 1/4 है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि अरे एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है? हो सकता है सब मान के चलिए, तो नहीं हो सकता है क्या? मान के चलिए यहाँ बॉय है और ये गर्ल, शॉर्ट बनाना है और जल्दी बनाना है। यह क्वेश्चन को और एक बार थोड़ा ठीक से देखिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। अगर लड़का एक है तो लड़कियां कितना है? 5 है, 5 गुनी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे, 5 गुनी कर रहा है, दोनों को ऐड किए तो 5 + 6 6 से भाग दे के देखिए नहीं कट रहा, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं, 5 + 6 6 से काट देते हैं, 4 × 6 = 24, तो लड़कियों की संख्या 4, लड़कों की बॉय लड़कों की संख्या 4, तो लड़कियों की संख्या 20, ये कुल संख्या हो सकता है। दूसरा स्टेप देखिए, इसको भी 6 से डिवाइड देखें, 6 × 7 = 42, यानी कि 7 को आ जाएगा लड़का और 5 × 7 = 35 को आ जाएगा लड़कियाँ, इसमें भी कुल बच्चों की संख्या आ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसको भी 6 से डिवाइड देखें, 6 से भाग देखें, 5 × 6 = 30, यानी कि 5 को लड़का 25 को लड़कियाँ जोड़ कर देंगे, कुल संख्या आ सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ई में देखिए, इसको भी देखिए 6 से डिवाइड देखें, 6 × 9 = 54, इसमें भी आ जाएगा, अगर गुना करेंगे इससे तो 9 × 1 = 9 5 × 9 = 45, इसमें भी टोटल ऐड करेंगे तो लड़की और लड़का आ जाएगा। लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन किया जाता है कि 5.5 को लड़की 5.5 को लड़का स्कूल कभी नहीं पहुँचता है, जब भी पहुँचता है तो फुल फिल पहुँचता है, अदर क्या आधा नहीं पहुँचता है, इसीलिए 6 से देखिए 35 डिवाइड नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो ये बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, क्वेश्चन यही बोला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? करें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो ये दोनों मिला देते तो संख्या अलग अलग रहता है तो अंक, तो ये दोनों का क्या कर रहा है, जोड़ करने पर, यानी योग मतलब जोड़ करने पर 7 होना चाहिए। देखते हैं 3 + 4 को जोड़ करते हैं तो 7 आ रहा है, ये तो परफेक्ट है एक स्टेप। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, कह रहा है 34 को अगर पलट दिया जाता है, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 43, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाता है। अगर कह रहा है नई संख्या क्या आएगा, पलट दिए तो नई संख्या बना, इसमें कह रहा है 3 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 9, 4, तो पहले संख्या कितना था 34, क्या ये 34 4 गुनी है? यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या 4 गुनी है? 4 से गुना करेंगे 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 12 + 1 = 13, ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा बार देखते वही अंकों का जोक 7, तो 6 और 1 जोड़ करके देखते हैं, 6 + 1 = 7, पलटने के बाद 3 जोड़ने पर, यानी कि 16 + 3 = 18, क्या ये न्यू संख्या में अगर हम 3 जोड़ दिए, क्रस अंकों को पलटने पर 61 जो था इसको पलट दिए, 1 पहले आ जाएगा 6 बाद में चला जाएगा, इसमें 3 जोड़ने पड़ा तो 18, अब यहाँ देखो इससे क्या 4 गुनी है, 4 गुना करके देखो 4 × 1 = 4 नहीं मिल रहा है, ये भी ऑप्शन नंबर 2 गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 2 और 5, 2 + 5 को ऐड करते हैं, पहला स्टेप तो योगफल 7 सही है। दूसरा स्टेप देखते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाए, पलट देते तो कितना बनता है 52, इसमें कह रहा है 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 5 × 5 = 55, क्या इससे ये 4 गुना है? गुना करके देखिए 4 × 5 = 20 नहीं आ रहा है 4 गुना, क्वेश्चन बोला है 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो क्या ये 4 गुनी है? नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 गलत। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं,
इसको भी जोड़ते हैं, 1 + 6 = 7। अंकों को पलट देते हैं, कितना आ जाएगा 61। इसमें 3 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 64। अब जरा गौर करके देखिए अब इस क्वेश्चन में, क्या इससे ये 4 गुना है ना? है। ये क्वेश्चन मेरा परफेक्ट 64 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, डी, परफेक्ट सही। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर एक करें, दो अंकों वाली एक एक संख्या को उसके अंकों के योग से, एक एक संख्या यहाँ कितना दिया हुआ 81, इसको देखिए 8 + 1 = 9। एक एक संख्या को उसके अंकों के योग, इसके अंकों का योग कितना आया 9 से गुणा करने पर इतना आना चाहिए। अब देखते हैं अगर 81 को 9 से गुणा करते तो कितना आ रहा, 9 × 1 = 9, 8 × 9 = 72। ऑप्शन नंबर एक ये तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, जगह तो यहाँ नहीं है इसलिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 45, यहाँ देखते हैं 45। आप कह रहे हैं अंकों का योग 4 + 5 = 9, अंकों के योग से गुना करने पर, फिर गुना करेंगे किससे, 45 को, 45 को अगर 9 से गुना कर रहे हैं 40, क्या मिल रहा है देखते हैं। गुना करने पर 405, यहाँ तक तो परफेक्ट एकदम सही मिला है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या से में गुना करने पर इतना आना चाहिए। अगर आप कह रहा है संख्या कितना लिए थे 45, इसको अदल बदल यानी कि चेंज करने का रहा है, 45 था तो 54। अब इसको कह रहा है जो संख्या मेरा जोड़ करके आया था, कितना आया था 9, इस 9 से गुना करके देखते हैं कि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल यानी कि चेंज कर दिया, 45 था तो 54 कर दिया, अदल बदल करने पर बनी नई संख्या, नई संख्या क्या हुआ 54 आ गया। मैं गुना करने पर, गुना किससे करना है, इसको जोड़ करके जो आया था उससे गुना करने पर कितना आना चाहिए 486 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा परफेक्ट सही है। ऑप्शन नंबर थ्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ मिल जाएगा आप आराम से टिक लगाइए, समय नहीं रहता कम समय पर। इस क्वेश्चन को मैंने एकदम ऑप्शन से बनाया है, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आते हैं।